إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا ضد ولا ند ولا مثيل له ولا مثال له وأشهد أن سيدنا ومولانا ومعلمنا ومرشدنا ومخرجنا من الظلمات إلى النور محمدا عبده ورسوله أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا فقد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة فترك أمته على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا قوا انفسكم واهليكم نارا وقودها الناس والحجاره عليها ملائكه غلاظ شداد لا يعصون الله ما امرهم ويفعلون ما يؤمرون صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي آمین یا رب العالمین. اللہ پاک کی بڑی بڑی نعمتیں ہیں. ہمارے باہر بھی، ہمارے ارد گرد بھی، ہمارے اندر بھی، جن کو ہم جانتے ہیں وہ بھی اور جن کو ہم نہیں جانتے وہ بھی، لیکن اللہ پاک کا ہمارے اوپر بالخصوص جو سب سے بڑا انعام ہے وہ جناب رسالت معاب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، امام الانبیاء کی ہستی ہے جو کامل اور مکمل انسان ہے، جنہوں نے انسانی زندگی میں کوئی خلا نہیں چھوڑا، جہاں اپنا نقش قدم نہیں چھوڑا. آپ کی زندگی روز روشن کی طرح عیاں ہے. انسانی زندگی کا ہر شعبہ اتنا روشن ہے کہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ لیلوہا کا نہارہا، اس دین کی راتیں بھی اتنی ہی روشن ہیں جتنا اس کا دن روشن ہے. مادی سورج غروب ہو جاتا ہے، لیکن سنت کا سورج کبھی غروب نہیں ہوگا، یہاں تک کہ سورج مغرب سے طلوع ہونے تک پہنچ جائے، تب بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت موجود رہے گی. کوئی اختیار نہ کرنا چاہے، کوئی نہ بچنا چاہے، کوئی آنکھیں بند کر لے تو یہ اس کی اپنی مرضی ہے، لیکن سنت اتمام حجت کے لیے موجود رہے گی. انبیاء کی دعوتیں بھی رہی ہیں، انبیاء کو کچھ علاقوں میں رسوخ بھی ملا ہے، لیکن وہ سارا ایڈہاک ازم تھا. ان رسولوں کو بھی بتا دیا گیا تھا کہ آپ کی شریعت وقتی ہے، آپ کی موجودگی تک کے لیے ہے،
और हर नबी की ये जिम्मेदारी थी कि उस आने वाली हस्ती के बारे में आगाह करके जाए अपनी उम्मत को, जो कामिल शरीयत लेकर आएंगे। अल यौम अकमलतु लकुम दीनकुम, वो जो यहूद के उलमा ने कहा था, मुसलमानों अगर ये आयत हमारे किताब में नाजिल होती तो हम उस दिन को ईद का दिन बना लेते। जब दीन मुकम्मल हो गया तो नबूवत की जरूरत खत्म हो गई, और जब आइंदा नहीं आना तो आखिरी वाले के हर तरीके को अल्लाह पाक ने महफूज करवा दिए, यहां तक कि वो मूसा के बनी इसराइल के तकरीबन सारे नबी, चाहे वो सुलेमान अलैहिस्सलाम हो चाहे दाऊद अलैहिस्सलाम हो, जो बड़े बड़े बादशाह भी साथ गुजरे हैं, वो मूसा जिनकी शरीयत की पैरवी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने भी आकर की। हुजूर फरमाते हैं मेरे आ जाने के बाद मूसा की निजात भी मेरी सुन्नत में है। वो हस्ती अल्लाह पाक ने हमें अता फरमाई। आज हम एक शोबे पर तवज्जो देंगे। मेरा इरादा था कि हज के मौजू पे इंशाल्लाह गुफ्तगू हमारी चलेगी, मैं तकरीबन उसकी तैयारी करता रहा, लेकिन पिछले हफ्ते पै दर पै कुछ ऐसे वाकयात हुए कि मेरी तवज्जो इस तरफ मबजूल हुई, इसलिए कि ये हर आदमी का मसला है, कुछ मखसूस लोगों का नहीं है। पिछले हफ्ते में पाकिस्तान में जो मीडिया तक बात पहुंची है, बाकी वाकयात तो पता नहीं और भी हुए होंगे, चार पांच वाकयात ऐसे हुए हैं कि बेटे ने बाप को कत्ल कर दिए। ये तो आप देखते रहते हैं, टिकर चलता रहता है, और ये हमारे लिए एक रूटीन की बात हो गई हुई। बाप को मार दिया, फिर भाई को मार दिया, बाप को मार दिया, फिर अपने को गोली मार ली। अब चूंकि बच्चे तो हमारे घरों में भी है ना, कहीं और पोलियो का कोई एक आध वाक्या होता है, पूरे मुल्क में एक आध वाक्या होता है, पूरे साल में एक आध वाक्या होता है, और हम एहतियातन अपने बच्चों को वैक्सीन पिलाते हैं, कतरे पिलाते हैं कि कहीं हमारे बच्चे को ना हो जाए। और अगर ये इस तरह कत्लेआम घरों में शुरू है, बेटे बाप को मार रहे हैं, तो बच्चे तो हमारे घरों में भी है ना, कहीं वायरस उनको भी ना लगा हुआ हो। हो सकता है वो हमें इसलिए नहीं मार रहे कि यहां पिस्तौल नहीं मिलता उन्हें, और अगर हम पाकिस्तान होते और वो भी होते तो शायद वो भी हमें मार देते। पर हमें जायजा तो लेना चाहिए ना कि वजह क्या है, उसने क्यों मारा, बाप का कसूर था, बेटे का कसूर था, आखिर वो क्या नौबत पहुंची है कि ये जुर्म हुआ है, ये कोई मामूली जुर्म नहीं है। बाप को कत्ल कर देना, हजरते अबू अबैदा इब्न अल जर्राह रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अपने वालिद को कत्ल किया है इस्लाम की खातिर, तो अशरा मुबशरा में से हो गए, ये कोई मामूली बात नहीं है। भाई को बांध के दिया है सहाबी ने, दूसरे को बांधने में मदद की अपने सगे भाई को, तो तारीख का हिस्सा बन गए कि देखें जी दीन इस्लाम की खातर वो भाई वाला तासुब खत्म हो गया, और उनका कि मेरा भाई वो है जो कलमे वाला भाई है। तो अब वो सूरत हाल किधर चली गई, सबसे पहले हम जायजा लेंगे कि ये कहां से सबक मिला उसे। कोई मजहब मां बाप को मारने के लिए नहीं कहता, मां बाप की गुस्ताखी का सबक नहीं देता। हिंदू मजहब भी मां बाप की इज्जत और तौकीर के लिए कहता है, उनकी फिल्मों और ड्रामों में भी मां बाप की इज्जत की जाती है, फिल्में भी उनकी, यानी बुरा आदमी फिल्म देखेगा ना, तो फिल्म भी मां बाप को मारने का सबक नहीं देती। आप देखते होंगे सीन, मां कहती है और बेटा सरेंडर कर जाता है पुलिस के सामने, उसकी मां को लेकर आते हैं कि मां की बात वो नहीं मोड़ते। तो ड्रामे और फिल्में भी, कल्चर भी जिसकी वो नुमाइंदगी करते हैं, चाहे वो हिंदुओं का हो, चाहे वो सिखों का हो, चाहे वो मुसलमानों का हो,
वो मां बाप को मारने के लिए नहीं कहता, मजहब इसका जिम्मेदार नहीं है। फिर कौन जिम्मेदार है? रहता तो उस घर में है ना बच्चा, कहीं हमारे रवैये जिम्मेदार तो नहीं है? हम किस तरह औलाद को मिसहैंडल करते हैं, कुचलते हैं उसको, सबसे पहली बात हम ये समझते हैं कि ये हमारी मलकियत है, हमारे गुलाम हैं, इनके कोई राइट्स नहीं। गाली देना और गंदी गालियां देना औलाद को, वतीरा बना लिया और समझते हैं कि औलाद को तो गालियां देनी चाहिए, मैं बाप हूं मैं दे सकता हूं। क्या इस्लाम ने यह तालीम दिया कि औलाद को गाली दीजिए? सहाबा में से कभी किसी ने, आइमा में से किसी ने अपनी औलाद को गाली दी है? कोई तसव्वुर कर सकता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बेटी को कोई गाली दे सकते हैं? एक बात तो ये आप नोट करें कि अल्लाह पाक ने इनको इस दौर के लिए चुना है, ये अल्लाह का इंतखाब है, और हर चुनने वाला बेहतरीन टीम चुन कर भेजता है। उसके पास जो वो 30 खिलाड़ी होते हैं ना, उसमें से वो जो 12 चुनता है, 14 चुनता है, बेहतरीन चुन के रखते हैं। अगर वो रिश्वत खोर ना हो, नेपोटिज्म ना हो, और ये दोनों चीजें अल्लाह के यहां नहीं है। उसने सहाबा को चुना नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने के लिए, तो आपने फरमाया कि अल्लाह पाक ने पूरी इंसानियत में नजर दौड़ाकर मेरे सहाबा को चुना है, और उनके तज़किरे तौरात और इंजील में मौजूद है। मासलोहम का मासल देखिए, सूरह फतह में आखिर में जाकर, तौरात में भी और इंजील में भी। ये इस दौर की सिलेक्शन है। हमारी हालत जो है, अभी मैं आपके सामने अरबी की ज़रबुल मिसाल रखूंगा, हम जब 40 क्रॉस कर जाते हैं तो हमारी हालत उस सुकड़ते हुए जौड़ की तरह होती है, तालाब की तरह होती है, जो जिसका गुजरा कल वसी होता है, आज तंग होता है और आने वाला कल उससे ज्यादा तंग होगा। यानी सुकड़ है ना, तो वो तंग होता हुआ आ रहा है। जब जौहर सूखता है, तालाब सूखता है, औलाद जो है वो एक्सपेंड कर रही है। इनका दायरा, दो दायरे हैं, बाहर पेरेंट्स का है, अंदर औलाद का है। औलाद का हर कल, आने वाला कल आज से ज्यादा वसी होगा, नए आइडियाज होंगे, नए ख्यालात होंगे, नए जज्बात होंगे, और हमारा आने वाला कल मजीद सुकड़ेगा। हम तेजी से सुकड़ते जा रहे हैं, ये तेजी से एक्सपेंड हो रहे हैं, और नतीजा क्या होता है? क्लैश हो जाता है। हम इनके बचपन को अपने बचपन से मापते, हमें मां बाप यूं करते थे, हमें 8 आने देते थे, हम 1 रुपए में इतने दिन गुजारते थे, हम स्कूल से आके काम भी करते थे, हम फलां करते थे। भाई साहब, ये 50 साल पहले की बात। आप जिंदगी को पीछे धक्का नहीं दे सकते। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि खैरुल कुरून करनी, अदवार में सबसे बेहतरीन दौर मेरा दौर है। सुम्मा अल्लज़ीना यलूनहुम, उनका जो उसके साथ लगे हुए हैं, सुम अल्लज़ीना यलूनहुम, फिर उनका जो उनके साथ लगे हुए हैं। तो गोया सहाबा का दौर जो था वो हुजूर वाला दौर नहीं था, और ताबेईन का दौर सहाबा वाला दौर नहीं था। ये एक फितरी शरई प्रोसेस बता कर गए हैं
कि अब हर आने वाला दौर जितना मेरे दौर से दूर होता चला जाएगा उसमें बरकात उठती चली जाएंगी, अमल में खुलूस उठता चला जाएगा। सहाबा ये बात कहते हैं, कसम खाकर कहते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दफना कर अभी हमने उनकी कब्र की मट्टी हाथों से नहीं झाड़ी थी कि हमने अपने दिल में तगैयुर पाया कि ये वो दिल नहीं रहा जो हुजूर की मौजूदगी में था। तगैयुर शुरू हो गया। फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मौजूदगी में मदीने में एक अनोखा नूर रहा करता था जिसका सोर्स पता नहीं चलता था, रिफ्लेक्टेड लाइट की तरह मदीना मुनव्वर रहता था। ऐसे ही नहीं, उसको मदीनतुल मुनव्वरा कहते। फरमाते हैं कि हम में से किसी की कोई चीज गिर जाती थी तो हम उठा लिया करते थे, लेकिन जिस रात हमने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दफन किया इतना अंधेरा था कि हमें एक दूसरे से टकरें लग रही थी। सहाबा का दौर हुजूर का दौर नहीं था, अगर हुजूर का दौर होता तो 80-86 हजार बंदे आपस में लड़ के ना शहीद होते, फर्क पड़ गया था। फिर ताबेईन का दौर, सहाबा वाला दौर नहीं था, तब ताबेईन का, ताबेईन वाला दौर नहीं था। इसलिए हम अपने रेफरेंस को, अपनी रवायत की सनद को ऊपर की तरफ, पीछे की तरफ लेकर जाते हैं, उस नूरानी दौर की तरफ लेकर जाते हैं। और जितनी बुलंदी पे वो जाता है, जितना हुजूर के करीब जाता है, उतना ऑथेंटिक होता चला जाता। अब सहाबा से हुजूर ये फरमाते हैं कि जिस दौर में तुम हो इस दौर में अगर इस्लाम के मुतकल्लबात, जो इस्लाम तुमसे चाहता है कि ये करो ये ना करो, उनमें से 10% भी छोड़ दो तो हलाक हो जाओ। लेकिन एक वक्त आएगा मेरी उम्मत पर कि वो 10% कर लेंगे तो कामयाब हो जाएंगे। फर्क देखा आपने, वो 90% कर लें, 10% छोड़ें, नाकाम, हलाक हो जाएं। फिर एक दौर आएगा कि वो 90% उनसे छूट जाए, 10% भी हाथ आ जाए तो फरमाया कामयाब हो जाएं। कैसे? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वजह बयान की है। जब सहाबा ने ताज्जुब किया तो आपने फरमाया ज़ालिक मिन किल्लतिल ईमान व कसरतुल फितन, परसेंटेज का फर्क पड़ जाएगा। मसलन एक बंदा है उसको अवेलेबल 2 गुनाह, 2 गुनाह दस्तियाब हैं उसके जमाने में, वो 1 गुनाह कर लेता है, 50% कर लिया ना उसने, 50% कर लिया उसने, दस्तियाब में से 50% उसने कर लिया। फिर एक जमाना आता है के 100 गुना दस्तियाब है, मार्केट में मौजूद है, जस्ट 1 क्लिक अवे, और कोई बंदा 10 गुना कर लेता है, कितने परसेंट किया उसने? 10%। क्वांटिटी देखें, 10 किए उसने काउंटिंग के हिसाब से, परसेंटेज के हिसाब से अल्लाह पाक ये देखता है कि ये कर कितने सकता था, 100, 90 में क्यों बच गया? ये कोई अंदर ईमान की रत्ती है ना? शरीयत और तरीके से नापती है। जो फितने आज हमारे बच्चों को दस्तियाब हैं, इन्हें अब्दुल्ला बिन उमर के साथ मत नापो, आज के बच्चों के साथ अपने बच्चे को नापो। आइडियल्स अपनी जगह पे रहेंगे, तकाजे वही रहेंगे, अगर हम आइडियल्स मिस कर दें तो हम डायरेक्शन लेस हो जाएंगे, बेसिमत हो जाएंगे। टारगेट हम वही रखेंगे, हमारा हदफ वही है,
पहुंचने में देर सवेर हो जाती है। एक बंदा कहता जी मैंने दुबई जाना है, कम से कम उसने एक टारगेट तो तय कर लिया कि मेरी मंजिल क्या है, दुबई है। साथ वो ये कहता है कि मैंने 2 घंटे में जाना है, रस्ते में एक्सीडेंट हो गया, लाइन लगी हुई है, 10-15-20-30 गाड़ियां टकरा गई हैं, जैसे कि सर्दियों में फॉग होती है और उसमें होता है, 4 घंटे ट्रैफिक जाम रही, क्रेने आती रही, गाड़ियां हटाती रही, एम्बुलेंसें जो है वो डेड बॉडीज लेके जाती रही, 4-5-10 घंटे लग गए। किसी हादसे ने उसे लेट कर दिया, लेकिन जब भी पहुंचेगा दुबई पहुंचेगा ना, मंजिल का तयन तो है ना। एक बंदा घर से निकल पड़ता, उसे पता ही नहीं मैंने जाना कहां है, कोई टारगेट ही नहीं, कहां जाएगा वो। लोग हमारा आइडियल हैं, लेकिन हमें हादसात को मद्देनजर रखना है, हर्डल्स को सामने रखना है कि फितने कितने हैं और हमारे पास एनर्जी कितनी है। ज़ालिका मिन क़िल्लतिल ईमान, ईमान कमजोर हो गए इसलिए कि नबी से दूर आ गए। ईमान का मंबा नबी की जात है, अल्लाह तक भी नबी हाथ रखता है तो हमारा हाथ पहुंचता है। तरफहू बे अदिल्ला, अल्लाह के एक हाथ नबी का अल्लाह के हाथ में, दूसरा उम्मत के साथ, ये है बया। नबी के हाथ पे हाथ रखा, फरमाया यदुल्लाह फौका अयदीहिम, नीचे नबी का हाथ है, ऊपर अल्लाह का हाथ। तो हम दूर आ गए हैं, जितना दूर आ गए एनर्जी कम हो गई है, फ्यूल कम हो गया है, रुक रुक के डलवाना पड़ता है, कोई खुतबा सुना फुल हो गई टंकी, दौड़ पड़े, फिर बिखरे हुए थे, छलके हुए थे जाम, परेशान थी जुल्फे यार, कुछ ऐसे हादसात से घबरा के पी गया, सागर वो कह रहे थे कि पी लीजिए हुजूर, उनकी गुजारिशात से घबरा के पी गया, मैं आदमी हूं कोई फरिश्ता नहीं हुजूर, मैं आज अपनी जात से घबरा के पी गया। बंदा फिर बंदा है, माहौल असर करता, कोई फरिश्ता तो नहीं हूं, माहौल ने रोक लिया, गाड़ी फंस गई है, फिर कोई दर सुना, कोई आयत सुनी, कोई अंदर जो रमक बचती थी उसने जोर लगाया, फिर गाड़ी निकल पड़ी। नबी को पता है कि फंस फंस के पहुंचेंगे, किल्लतुल ईमान व कसरतुल फितन। फरमाया तुमने मुझे पाया, वो सिर्फ मेरा नाम लिखा पाएंगे। सहाबा से पूछो कि तुम्हारे नजदीक सबसे ज्यादा अल्लाह को पसंदीदा ईमान किन लोगों का है, अय्युल ईमान अअजब इंदल्लाह। सहाबा ने कहा फरिश्तों का, कहा फरिश्ते तो हर वक्त अल्लाह के दरबार में हाजिर रहते, उनका ईमान नहीं होगा तो क्या होगा। कहा अंबिया का, कहा अंबिया पर फरिश्ते उतरते हैं, अंबिया अल्लाह के मलकूत को देखते। कहा आपके सहाबा का, फरमाया सहाबा को क्या मुझ पर ईमान न लाए, तुम दिन रात मेरे हाथों से मौजज़े होते देखते, तुम 3 बंदों की रोटी 3,000 के लिए काफी पाते हो, तुम सूखे हुए कुएं को उबलता हुआ बाहर निकलता पाते हो, तुम वो बकरी जिसकी अभी जुफ्ती नहीं हुई है तुम उसके थनों से दूध निकलता देखते हो, तुम कंकरियों को मेरे हाथ में कलमा पढ़ते सुनते हो, तुम दरख्तों को मेरे हुक्म पर जगह छोड़कर चलता देखते हो, तुम क्यों ईमान न लाओ। सहाबा कहने लगे फिर अल्लाह और उसका रसूल ही जानता है। आपने फरमाया अल्लाह के नजदीक उन लोगों का ईमान पसंदीदा है जो मेरा नाम सिर्फ लिखा पाएंगे किताबों में और मुझसे इतनी मोहब्बत करेंगे कि उनमें से कोई शख्स अपनी जान माल औलाद सब कुछ मुझको देखने के इवज देने के लिए तैयार होगा। वो मौलवी साहब तकरीर कर रहे थे, कब्र की वहशतों का जिक्र कर रहे थे, तो मियां मोहम्मद साहब कहते हैं मुल्ला मैनू डर सुनावे रात कब्र दी काली, मैं सुनिया उत्थे उन्हें आना जिदे मोढ़े कमली काली। मौलवी साहब
नबी से मुलाकात होनी है कि नहीं होनी, फिर हमें कोई डर नहीं है कब्र का। जहां नबी से मुलाकात होनी है वहां क्या हमें वहशत होनी। तो वो दौर हमारा आइडियल है, लेकिन हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि हम किस दौर में रह रहे हैं। अगर हम सहाबा की तरह नहीं है ना, अगर हम उमर की तरह नहीं है ना, तो हमारी औलाद अब्दुल्ला बिन उमर नहीं बन सकती। उनसे क्यों तकाजा करते हो तुम? हम पर जब जवानी थी तो जवानी के जो भी तकाजे थे हमने डर डर के पूरे किए। जब दौर गुजर जाता तो हम उनको गलती कहते कि हमसे खताएं हुई, हमसे गलतियां हुई, हमारी औलाद से ना हो। और हमारी औलाद से भी होंगी, और जब वो उस उम्र से गुजर जाएंगे तो वो भी चाहेंगे कि उनकी औलाद से ना हो। बंदा मर रहा था, उसने बच्चे को बुलाया और कहने लगा, पुत्र मेरी आखिरी वसीयत है कि शादी ना करना। उसने कहा, अब्बा जी ठीक है, मैं भी अपनी औलाद को मना कर जाऊंगा। भाई साहब वो गलतियां नहीं थी, वो उस उम्र के तकाजे थे। गलती हमें इसलिए लगती है कि हम उस दौर से निकल आए। आप दूर से खड़े होकर हम देख रहे हैं, अब वो उस फितने में मुबतला है। तो सबसे हमदर्द जो हस्ती होती है वो बाप की होती है। हम इनकी जिस्मानी मुश्किलें दूर करते हैं, खाने पीने की मुश्किलें दूर करते हैं, तालीम की दूर करते हैं, तो नफ्सियाती भी हम ही को दूर करनी चाहिए। हम जितना इनके पास रहते हैं, हम बंदे को बीमार हो तो हॉस्पिटल एडमिट करवा के आते हैं कि वो ज्यादा से ज्यादा डॉक्टरों के करीब रहे, जरा सी भी नब्ज ऊपर नीचे हो तो कोई पहुंच जाए। तो बेटा आपके पास रहता है, आपको पता होना चाहिए कि उसके दुख सुख क्या हैं, वो किस कर्ब में मुबतला है। उसे हिम्मत दें कि वो आपसे खुल के कहे, सच बोले। अगर तो उसने गलती की हुई हो तो आप उसे सजा मत दें, ताकि उसमें सच बोलने की हिम्मत आए। देखें, डर हमेशा झूठ बुलवाता है, झूठ हमेशा डर बुलवाता है, मुनाफिक हमेशा डर करता है। जब उसे पता होगा मैंने सच बोलना है तो मुझे कोई सजा नहीं मिलेगी। मेरी अजीजा, उसके बच्चे छोटे, तो वो जब कोई मसला होता है तो वो अपने बच्चों को बाहर कोई झगड़ा हुआ कुछ, तो अपने बच्चे को बुला के कहती है, क्या बात हुई थी? और वो पहले पूछता है, मारोगी तो नहीं, कराची रहते हो? कहती नहीं मारूं। और वो सच सच बता देता है कि मेरी गलती है, मैंने पहले गाली दी थी, मैंने पत्थर मारा। और उसको मारती नहीं, कहती बेटा ऐसे नहीं करते, आइंदा ऐसे नहीं। और उसे पता, और आइंदा वो नहीं करते। बड़े सुधरे हुए बच्चे। ये भी नहीं होना चाहिए कि बंदा पहले तो कहे मैं कुछ नहीं कहूंगा और उसके बाद जूता उठा ले। तो पता चल जाता कि ये धोखेबाज है, ये झूठ बोलता है। तो मसला ये है कि बेटे जो है वो बाप को क्यों कत्ल कर रहे हैं? देखिए ना, बाप को, आम आदमी को भी कत्ल करने के लिए बड़ी हिम्मत चाहिए, फिर बाप को कत्ल करना, उसके असबाब क्या? ये तो वही बता सकता है ना जिसे ये काम हुआ है। कहता है कि मैंने जब होश संभाला तो अक्सर व बेशतर ये उन घरों में होता है जहां दो शादियां होती हैं। जब दूसरी शादी हो जाती है तो बाप बट जाता है, औलाद के जहन में भी डिवीजन आ जाती है, बीवी के भी यहां डिवीजन आ जाती है, रवैये तब्दील हो जाते हैं। फिर जब दूसरे यहां औलाद हो जाती है तो ये पूरा बाप नहीं समझते, समझते कि बाप आधा है। होश संभाली है तो वालिद साहब को हमने गालियां ही देते बकते देखा है, वालदा को भी, फिर मुझे भी उन्होंने गालियां देनी शुरू कर दी। और नंगी गालियां, दो चार गालियां उसने कोट की हैं, बताने वाली नहीं, मां बहन की गालियां बेटे को। कहता मैं गुस्से से बाहर चला जाता था और बाहर फिर रस्ते में मुझे कोई जरा सा भी बहाना चाहिए था, दुकानदार के साथ कीमत पे तू तू मैं होगी, मैं उसको पकड़ लेता था। रेड़ी वाले के साथ होगी, पूरी रेड़ी उल्टा दी। टीचर के साथ होगी, टीचर के, यानी मैं घर का गुस्सा फिर जाके बाहर उतारता था। वायलेंट हो गया, वो बदनाम हो गया, कोई नहीं देखता कि इसको चाबी दे के किसने भेजा, आग लगा के इसकी दुम पर किसने बाहर भेजा मुआशरे में, बाप ने।
फिर एक दिन बाप ने इसी तरह गालियां दी, कहते मेरा दिमाग खराब हो गया। वो जो गाली उसने दी, जमीन आसमान घूम गए मेरे। मैंने पिस्तौल निकाला और आखिरी लम्हे में मेरे जहन में ख्याल आया, तू क्या करने लगा, किसको मार रहा है? मैंने आसमान की तरफ, वो बिल्कुल लबलबी दबाते हुए ऊपर कर दिया और वो फायर ऊपर चला गया। इसको भी मेरे बाप ने गाली बना लिया, जब तू जितना बड़ा बदमाश, मैं जानता हूं तुम्हें, मैंने तुम्हें बचपन से पाला है, तुम फला हो, तुम ढींग हो, तुम ब्लफ करते हो मेरे साथ, तुम समझो मैं डर जाऊंगा। वो कहता है उसने ताना बना लिया, खाना मारा, कहता है भाई इसमें बोटी ज्यादा डालना, ये गोली मार देगा, पिस्तौल है इसके पास। चलती रही बात, फिर एक दिन फिर वही सूरत हाल हुई, उसने गाली दी और गाली फिर उसने ऐसी दी कि मैंने कहा कि जिस मुंह से ये निकली उस मुंह में रख के गोली मारनी। अब देखें, ये जो गुस्सा होता है सिर्फ एक लम्हा होता है इसका, और उस लम्हे में कौन अंदर से निकल के आता है, वो कौन सा सॉफ्टवेयर है जो एक्टिवेट हो जाता है, खुद बंदे को भी समझ नहीं लगती। शरीयत क्या कहती है? कहती है खड़े हो तो बैठ जाओ, धप से उसी जगह बैठ जाओ, जस्ट डू समथिंग, बैठे हो तो लेट जाओ, पानी करीब है तो जाके वजू कर लो, दौड़ो उसकी तरफ। इसलिए कि गुस्सा शैतान से है और शैतान आग से, और आग का इलाज पानी है। आपसे कोई आइकॉन खुल जाए, कोई शॉर्टकट खुल जाए, स्पीकर वाला या दूसरा, तो आप सिर्फ खाली जगह डेस्कटॉप पे खाली जगह आप राइट को क्लिक कर दें तो वो खत्म हो जाता है ना। एक हरकत चाहिए माउस की, उसे कोई हरकत कर दो ताकि वो लम्हा जो है वो खत्म हो जाए, वो जो खुल गया तुम्हारे अंदर फोल्डर, वो फोल्डर बंद हो जाए। कोई हरकत करो, खड़े हो बैठ जाओ। देखिए शरीयत, आज हमें समय लगती है हदायत क्यों दी गई, सिर्फ तुम्हारी हरकत चाहिए वो फोल्डर गायब हो जाएगा। लेकिन वो एक लम्हा जिसमें उसने आखिरी दफा फायर ऊपर कर दिया था, वो ख्याल उसे फिर आया, लेकिन उसने कहा कि अब अगर पहले गाली बनी हुई है वो, अब भी अगर मैंने ऊपर फायर कर दिया तो ये बंदा मुझे जीने नहीं देगा। मार दिया उसने, मार दिया। फिर वो उसकी लाश, वो मर रहा था जब, तो वो लिपट लिपट के कह रहा था अब्बा अब तो कह दो कि मैं दलेर हूं, मैं बहादुर हूं, मैं सिर्फ ब्लफ नहीं करता, मैं मार भी सकता हूं, यानी अब तो तस्लीम कर लो। जाते जाते मर गया, इकरार कर लिया उसने कोर्ट में जाके, कोई केस सेशन नहीं, सजाए मौत सुना दी। जेल में था, कुछ कुरान जेल में हिफज कर लिया, मां थी माफ कर दिया, बाहर निकल आया, बाकी बाहर हिफज किया, मस्जिद का इमाम बन गया। कोई गाली भी दे तो सार उठा के जवाब नहीं देता, इतना रफीक, इतना पोलाइट। दुनिया कहती है इसको क्या हो गया था, तो पता चला वो जो आग लगाता था वो मर गया ना, सबब खत्म हो गया ना, तो उसके अंदर वायलेशन खत्म हो गया। पता चला कि उसके उसे बदमाश बाप ने बनाया हुआ था, उसके रवैये ने बनाया हुआ था। एक साहब गए, हम गए, गर्मी का मौसम था, बच्चा जवान था, बाहर लेटा हुआ था सहन में, नमाज पढ़ के जो ही हम दाखिल हुए तो कहता ओए खंजीरा उठा नमाज पढ़। बच्चा एकदम उठा और वो जल्दी से निकल गया। ये आपने क्या किया? अच्छा हम ये गाली दे के तो हम फखर भी महसूस करते हैं कि देखो हमारे अंदर कितनी दीनी गैरत है कि हमने गाली फी सबीलिल्लाह दी है। फिरौन के पास अल्लाह पाक ने भेजा है मूसा अलैहिस्सलाम को और हारून अलैहिस्सलाम को, और एक को नहीं दोनों को हिदायत किया है। ऐसा ना हो कि हारून ये समझे कि मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने मना किया है, मुझे तो नहीं किया ना। कूला कूला दोनों कूला लहू कौलन लैनन, उससे जाके नर्म बात करनी है,
पोलाइट बात करनी है, वरना उसने खुदाई का दावा किया हुआ था। हजारों बनी इसराइलियों के बच्चों का कातिल था वो, गाली का हकदार, कम से कम गाली कर जाके जाते उसे कहो नो खंजीरा नीचे उतरे ताकत से, कुल्लाहू या खंजीरो, नहीं कहा कूला लहू कौलन लयिन, लयिन होता मुलायम नर्म। उसके बाद किसी के लिए गुंजाइश रहती है गाली की। हारून रशीद के पास एक बंदा आया और मौलवी साहब और आके उसने शुरू कर दी, जैसा हम हुक्मरानों को सामने रख के शुरू कर, उन्होंने कहा सबर कर, अल्लाह पाक ने तुमसे ज्यादा अच्छे आदमी को मुझसे ज्यादा बुरे आदमी के पास भेजा था और कहा था कि कूला लहू कौलन लयिनन, बात नरमी से करना, ना तुम मूसा ना मैं फिरौन हूं, जा पहले जाके सीख क्या तबलीग कैसे करनी होती। हम ये समझते हैं कि औलाद के साथ हमारा मिसबिहेव करना हमारा हक है और उसको बर्दाश्त करना औलाद का फर्ज है, हालांकि सबसे ज्यादा हमारे अखलाक के हकदार घर वाले हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया खैरुकुम खैरुकुम ले अहलिही, तुम में बेहतरीन वो है जो अपने घर वालों के लिए बेहतरीन है, वा आना खैरुकुम ले अहली, और मैं तुम सबसे ज्यादा अपने, मैं इसलिए तुम में अच्छा हूं कि मैं अपने घर वालों के लिए तुम सबसे ज्यादा अच्छा हूं। हमारे हम बाहर निकलते हैं मार्केट में जाते हैं, किसी का बच्चा आके हमसे टकरा जाए तो हम फौरन उस बच्चे को उठाते हैं, उसको सारी करते हैं, लगी तो नहीं है पूछते हैं उस बच्चे से, अपना बच्चा आके टकरा जाए तो, और चर्बी चढ़ी हुई आंखों पे अंधे हुए हुए हो, बच्चा हैरान होकर देखता है ये मार्केट में तो कोई और अब्बा था, ये घर में आके तो इसका पेंटियम ही तब्दील हो गया है, ये बोलने का तरीका है। किसी की खातून से कुछ सामान गिर जाए तो बंदा झट इकट्ठा करके देना शुरू कर देता है, चीज उठा के दे देता है, गाड़ी खराब हो जाए बल्कि दुआ करते हैं कि उसकी गाड़ी खराब हो जाए तो स्टिपनी भी अपनी दे देते हैं, पाना शाना भी लेकर नीचे उतर पड़ते हैं कि आप खड़ी हो जाए, दरख्त के नीचे जाके खड़ी हूं, यहां धूप में भी खड़ी ना हो, पसीना भी ना आए आपको, मैं आपको बदली कर देता हूं स्टिपनी, अपनी के हाथ से सामान गिर जाएगा तो चुक भी ले उठा के नहीं देना, ये क्या रवैये हैं, ये तो मैंने गालबन कमरे में एक जरबुल मिसल है कि अपनी बीवी से मोहब्बत करना ऐसे ही है जैसे उस जगह खुजलाना जहां खुजली ना हो रही हो, तारीफ नहीं करनी, बच्चों की तारीफ नहीं करनी, बच्चों का तकाबल करना, अल्लाह पाक ने दो भाई एक जैसे नहीं बनाया, आप तीसरे महल्ले के बच्चे के साथ उसका तकाबल कर रहे हैं, हो सकता है उसमें कुछ खूबियां हैं तो उसमें कुछ खामियां भी होंगी, और आपके बच्चे के अंदर कुछ खामियां हैं तो कुछ खूबियां भी होंगी। शरीयत हमेशा यह कहती है कि खूबियों को प्रोमोट करो ताकि वो खामियों पर गालिब आ जाएं, और मैं मिसाल दिया करता हूं कि आप 15 20 30 दिरहम का एक पौधा लेकर आते हैं रुपए का और उसे लगा देते हैं आप और उसकी कुछ टहनियां सूख जाती हैं और आप उसको नाखन मार के देखते रहते हैं, एक टहनी भी उसकी अगर सब्ज हो तो आप उसको हिलाते नहीं कि यहां से निकलेगा दरख्त, यहां से माल्टा निकलेगा, और वो निकल आता है, तीन सूख भी जाए तो चौथी से वो निकल पड़ता है आगे। अपनी औलाद के अंदर ढेर सारियां खूबियां होने के बावजूद भी सिवाय गालियों के और हमारे पास कुछ नहीं, यानी कुछ गालियां तो वो जो सलाद के तौर पर हम इस्तेमाल करते हैं। वो एक उम्र तक उन्हें कोई एहसास भी नहीं होता, लेकिन एक खास उम्र में जब उनके अंदर का मर्द पक चुका होता है,
उनकी एक हस्ती होती है, एक शख्सियत होती है, उस वक्त फिर वो दुश्मनी उनके अंदर बनना शुरू हो जाती है। इस बंदे ने कसम खाई हुई है कि इसने मुझे जलील ही करना है। हम उनको अपने साए के नीचे दबा कर रखते हैं, जब तक हम मरे नहीं वो मुकम्मल इंसान बनते ही नहीं है। हमारा छिलका उतरता है तो अंदर से इंसान निकलता है। जब तक हम जिंदा है, हमने कसम खाई हुई है कि हमने तुम्हें अकलमंद तस्लीम नहीं करना। मुमताज मुफ्ती राइटर है, उसका बेटा था अक्सी मुफ्ती। वो गार्डन कॉलेज में रावलपिंडी प्रोफेसर था बेटा, और शोबे नफ्सियात का हेड था, हेड ऑफ साइकोलॉजी डिपार्टमेंट। उसके स्टूडेंट एक दिन उसके घर आए, बाप के साथ ही रहता था ये अक्सी भी, तो वो जो स्टूडेंट्स थे ये बाहर कुर्सी डाल के अखबार पढ़ रहे थे मुमताज मुफ्ती साहब। तो उन्होंने कहा कि ये सर जी के अब्बा हैं। एक ने दूसरे को कहा कि ये सर अक्सी के अब्बा हैं। परेशान हो गया, सोचों में डूब गया। शाम को एक दोस्त को कहता है मुमताज मुफ्ती कि यार आज एक अजीब वाकया हुआ है कि मैं अपने बेटे के रेफरेंस से पहचाना गया हूं, यानी मेरी हस्ती उनको पता नहीं कि मैं कौन हूं, मुमताज मुफ्ती कौन है। वो कहते हैं ये सर अक्सी का अब्बा है। उस पे उस अक्सी ने कहा शमा पे एक रात बारी है, हमने तो उम्र यूं गुजारी है। अब्बा जी आज दिल पे चोट लगी है तो एहसास हुआ कि जब किसी की हस्ती मिटती है तो उस पर क्या गुजरती है। 38 साल मैंने गुजारे इस अजाब में। मैं डीन हूं फैकल्टी का, प्रोफेसर हूं बैन अल-अक़वामी, लेक्चर जाके देता हूं और लोग मुझे नहीं जानते। हमेशा कहते हैं मुमताज मुफ्ती का बेटा है, मुमताज मुफ्ती का बेटा है, मुमताज मुफ्ती का बेटा है। आपका रेफरेंस मेरी चिड़ बन गया, मेरी हस्ती खत्म होकर रह गई है और मैं 38 साल से इसको बर्दाश्त कर, आपसे एक जुमला बर्दाश्त नहीं हुआ, एंड हो गया, बस एनफ इज एनफ, मैं आपसे अलग होना चाहता हूं। उसने कहा ठीक, सोचा थोड़ा सा, उसने कहा ठीक है बेटा जाओ अपनी जिंदगी जियो। तो वो अलग हो गया उससे। हम जब तक जिंदा हैं हम ये चाहते हैं कि मेरा बेटा मेरी निस्बत से पहचाना जाए कि ये कारी हनीफ का बेटा है। और बेटा तुमने कोई बुराई इसलिए नहीं करनी कि वो अल्लाह रसूल ने मना की है, इसलिए नहीं करनी कि तुम कारी हनीफ के बेटे हो, मेरे नाम को बट्टा ना लग जाए। और फला काम तुमने करना है, तुमने टोपी रख के मस्जिद जाना है इसलिए कि तुम कारी हनीफ के बेटे हो, इसलिए नहीं कि ये सुन्नत है। हमारे जेरे साया, मेरे लिए, मेरे लिए, मेरे लिए, वो जो नेकी भी करते हैं ना उनके अंदर वो नेकी की तलब नहीं होती, मर चुकी होती है। वो समझते हैं कि ये बाप के लिए कर रहे हैं, बाप के रेफरेंस से कर रहे हैं, अब्बा ने कहा है तो कर रहा हूं। एक बच्चा मसला पूछने है, जवान बच्चा है, नौकरी कर रहा है, कहता फजर की नमाज के बाद मुझे नींद आई हुई होती है तो अब्बू मुझे कहते हैं कि पढ़ो। दोनों बाप बेटा यहां पास सामने बिल्डिंग में होते थे, बाप अब चला गया, बेटा भी चला गया। तो वो कहने लगा कि मैं इनके डर की वजह से बार कुरान खोल लेता हूं, बार दफा कोई पेज दो पेज पढ़ता भी हूं, लेकिन ज्यादातर मैं ऐसे ही उलट देता हूं कि बाप समझे कि मैंने पढ़ा और फिर मैं सो जाता हूं। तो क्या ये मुनाफकत है? उनमें जो सेंस ऑफ अचीवमेंट है ना, ये एक बहुत बड़ा अंसर है इंसान की नेकी के जज्बे को एनर्जाइज करने के लिए। जिससे आप ये छीन लेंगे नेकी खत्म हो जाएगी, मर जाएगी। ये खाद है कि मैंने कुछ किया है। आप देखें अल्लाह पाक कुरान हकीम में सहाबा की तारीफें क्यों करता है। ये किसी चीज की लालच नहीं रखते,
یؤثرون علی انفسهم ولو کان بهم خصاصہ، جس صاحب نے مہمان لے گئے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے گھر، لیکن گھر میں کھانا بیوی نے کہا وہی ہے جو بچوں کے لیے ہے، ان کا بچے سلا دو اور بتی ٹھیک کرنے کے بہانے بجھا دینا، مہمان کو کھانا کھلایا جا رہا ہے، بیوی بچی بتی اونچا کرنے کے چکر میں وہ دیا دوسرا ہوتا تھا نا وٹی والا دیا ہوتا تھا، اس نے انگلی مار کے بجھا دی، اور ماچسیں ہوتی کوئی نہیں تھی کہ اتنی جلدی جل جائے، بھائی صاحب گاؤں میں کہیں ایک آدھ گھر میں آگ ہوا کرتی تھی، میں آپ کو پہلے مثال دے چکا، کھیرٹا میں جب پہلی ماچس آئی ہے تو گن کر بیوی کو وہ تیلیاں دیا کرتے تھے ماچس کی، اور مشہور تھا کہ یہ تیلیاں گن کر دیتے، وہ کہتے تھے کہ آگ دبا کے رکھو اگلے دن پھر اسی کو نکال کے استعمال کرنا، دیا بجھ گیا، مہمان کھانا کھاتا رہا، ایک آدمی کا کھانا تھا، یہ صرف منہ ہلاتے رہے، صبح گئے تو قرآن نازل ہوا ہوا تھا، اللہ پاک نے بتایا نبی جو لے کر گیا ہے مہمان کو دیکھ اس نے کیا کیا ہے، وَيُوسِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، خود فاقہ بھی ہو تو نبی کے مہمان کو وہ فوقیت دیتے ہیں، تو ایمان بڑھ گیا، آئندہ کرنے کا اور جذبہ بڑھ گیا کہ نہیں بڑھ گیا، یہ سینس آف اچیومنٹ جو ہے نا، بہت سارے بیٹے ایسے دیکھے ہیں جو رات کو یہاں دو دو بجے گھر آتے تھے، فلمیں دیکھتے تھے، بلیڈ کھیلتے تھے، حکا پیتے تھے، جا کر ماں باپ تنگ آ گئے تھے، پڑھنے بیرون ملک جب گئے واپس آئے داڑھی رکھی ہوئی امامہ باندھا ہوا، او بھائی تمہیں کیا لڑ گیا ہے، میں نے پوچھا کیا ہوا آپ کا تو یہاں اس طرح سے معاملہ تھا، کہنے لگا وہاں جا کے مجھے یہ احساس ہوا کہ یہ نیکی میں اللہ رسول کے لیے کر رہا ہوں، میں خود کر رہا ہوں، یہ میری کمائی ہے، اور جب آدمی اپنی سیونگ شروع کر دیتا ہے تو لالچ بڑھ جاتا ہے اس کو، جب تک اکاؤنٹ باپ کے نام رہتا ہے اولاد انے وہ خرچ کرتی ہے، لیکن جب اس کے اپنے اکاؤنٹ کی بات آتی ہے تو پھر وہ بھی 99 کے چکر میں پڑ جاتی ہے، پھر بچت کرتی ہے، جب اس کا اپنا اکاؤنٹ کھلا اب نہ باپ دیکھ رہا ہے نہ ماں دیکھ رہی ہے، اب میں نے نیکی کرنی ہے، تو اب وہ اسے یہ کہ یہ میری اپنی کمائی ہے، یہ نیکی کاری صاحب جو کچھ میں نے وہاں کیا میں نے وہ میری اپنی کمائی ہے، میں نے اللہ رسول کے ڈر کی وجہ سے کی، یہاں انہوں نے ڈنڈا دے دے دے، آپ دیکھیں جب آپ کسی چیز پہ زیادہ زور دیتے ہیں نتیجہ تن اس کے خلاف ری ایکشن پیدا ہوتا، میرا ایک چھوٹا بھائی تھا اس کی عادت یہ تھی کہ بلدیا سے ہمیں ملتے تھے یہ مربے ملتے تھے میلن جام اور فلاں فلاں، وہ ایک ڈبا کھولتا اس میں سے تھوڑا سا کھاتا پھر دوسرا کھولتا اس میں سے تھوڑا سا کھاتا، تین چار ڈبے جب کھل گئے تو والد صاحب کو بڑا غصہ چڑھا، انہوں نے سارے کاٹ کے ایک ٹرے میں ڈالوں گا پترا یہ سارے کھانے، تو کہنے لگا کوئی بات نہیں کھا لوں گا، اس نے کھانا شروع کیا، کھاتا رہا ایک آدھ ڈبا کھایا ہوگا، اس کے بعد پھر آہستہ آہستہ پھر اس کو کہہ ہونا شروع ہوگی، کہہ ہوگی، اب یہ اس کی نفسیاتی گرا بن گئی، وہ جب میلن جام کا وہ ڈبا دیکھتا تو اسے کہہ شروع ہو جاتی تھی، جبر سے کھا رہا تھا نا، جبر سے جو چیز بھی آپ کھلائیں گے اس کے خلاف ری ایکشن پیدا ہوگا، بچہ ہے جماعت رہ گئی آپ جا کے اسے کہیں بیٹا اٹھو جماعت چلی گئی بیٹا اٹھ کے نماز پڑھ لو، اتنی ساری بات ہے نا، اور بعض دفعہ ابھی نماز ان پر فرض بھی نہیں ہوتی، ان کا فرض بھی نفل ہوتا ہے، مسئلہ یہ ہے کہ اگر نابالغ اولاد فرض نماز پڑھ کے سوئے عشاء کی اور اسے اتلام ہو جائے، امام یوسف رحمت اللہ علیہ نے امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ سے مسئلہ پوچھا، قاضی ابو یوسف ماں ان کو بٹھا کے آئی تھی نان بائی کے تندور پر کہ اس کو پیڑے بنا کے دے گا آٹا بنا کے دے گا، یہ کچھ گھر روٹیاں لے آئے گا تو گھر کا خرچہ چلے گا، بچے کا شوق کوئی اور تھا، وہ دوڑ کے سامنے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا درس تھا وہ درس میں شریک ہو گئی، ہفتے بعد ماں آئی کہیں سے، اس نے آ کے پوچھا بچے میرے کا، اس نے کہا بچہ تو تمہارا ادھر چلا گیا ہے، وہ گئی مدرسے سے اٹھا کے گھسیٹ کے لا کے پھر بٹھا دیا، ماں چلی گئی بچہ پھر ادھر آ گیا، ماں پھر آئی تو پھر امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا اماں چکر کیا ہے،
کیا مسئلہ ہے بچے کا؟ کہ میں اس کو تندور پہ بٹھا کے جاتی ہوں، میں بیوہ عورت ہوں، میں کہتی ہوں یہ سیکھ لے کوئی کام، وہاں سے کچھ لے کر آئے گھر چلے۔ آپ نے فرمایا تمہارا مہینے کا خرچہ کتنا ہے، آپ نے اس کے خرچے کا بندوبست کر دیا، کہا بچے کو ادھر رہنے دو۔ وہ بچہ اسلامی تین بر اعظموں پر پھیلی ہوئی اسلامی اسٹیٹ کا پہلا چیف جسٹس بنا، قاضی ابو یوسف۔ انہوں نے مسئلہ پوچھا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے کہ اگر کوئی بندہ عشاء کی نماز پڑھ کے سوئے اور اسے اتلام ہو جائے تو وہ کیا کرے؟ آپ نے کہا وہ نہائے اور نماز دہرائے، نہائے اور نماز دہرائے۔ اب یہ مسئلہ ہر آدمی کا نہیں تھا، چونکہ امام ابو یوسف جو تھے وہ نابالغ تھے، اس احتلام کے ساتھ وہ بالغ ہوئے، وہ پہلی پڑی ہوئی نفل تھی ان کی، اب ان پر فرض ہوئی تھی اور اس کا عشاء کا وقت موجود تھا، لہذا انہیں وہ عشاء اب پڑھنی تھی، اب فرض ہوئی تھی۔ ہم چھوٹے چھوٹے بچوں پر اس طرح کرتے ہیں جماعت کی پابندی اور گھسیٹ گھسیٹ کے لانا، جیسے اسی کے ذریعے ہم نے اپنے کفارے ادا کرنے۔ یہ موضوع انشاءاللہ لگتا اگلے جمعے کو بھی چلے گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔